फ्लावर हाउस। रामांतपुर नाम के शहर में कपाड़िया नाम का एक व्यक्ति बैंक मैनेजर के तौर पे काम करता था। कपाड़िया के परिवार में पिता के साथ साथ सब सुशिक्षित ही थे। कपाड़िया के पिता पुलिस कमिश्नर के तौर पे काम करके रिटायर हुए थे। उसका भाई कलेक्टर था। कपाड़िया की बेटी का नाम रजिता था। रजिता को फूल बहुत पसंद थे। रजिता और उसकी दोस्त लता एक बार स्कूल से आते हुए रास्ते में मौजूद गंदी नाली और डंप यार्ड के पास से गुजरते हैं। वहां बदबू आने से नाक बंद करके उसे पार करते हैं। बाद में लता से रजिता, दिन ब दिन यही परेशानी है। ये सिर्फ नाम के लिए शहर है मगर साफ नहीं रहता। सुना है कि नगर पालिका वालों को ठीक से पगार भी नहीं देते। ऐसे में कौन ठीक से काम करेगा, बोली लता तब। हाँ रे, मेरी दीदी ने भी यही कहा था। सुना है कि सारा कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार से भरा है। ये शहर कब साफ सुथरा बनेगा कहकर वो दुखी होती रहती है, बोली। रजिता सारे कामकाज और खेलों में बहुत तेज थी मगर पढ़ाई में बहुत पीछे थी। इससे कपाड़िया परेशान होकर एक बार पब्लिक एग्जाम से पहले रजिता से, रजिता अगर इस बार तुम स्कूल फर्स्ट आए तो मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूंगा, कहा रजिता। ठीक है पिताजी, जरूर फर्स्ट आऊंगी, बोली। कहे जैसे ही इस बार रजिता फर्स्ट आई। इससे पिता खुश होकर रजिता को एक फ्लावर हाउस तोहफे में दिए। रजिता उस फ्लावर हाउस को देखकर बहुत खुशी। फ्लावर हाउस को ले जाकर अपने कमरे में रखी। रजिता आए दिन उस फ्लावर हाउस को देखते देखते बड़ी हुई। रजिता आईएएस पास होकर उसी शहर को कलेक्टर बनकर आई। रजिता कलेक्टर के जिम्मेदारियां लेने के तुरंत बाद गंदी नालियां और डंप यार्ड पे निगरानी रखकर नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाई, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से। वहाँ पर डंप यार्ड नहीं रहना चाहिए, उसे गांव के बाहर शिफ्ट कीजिए। ये काम 15 दिनों के अंदर पूरा होना चाहिए। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम सेट करके ऊपर अच्छे से ढकिए। आसपास से गंदी बदबू आने से रोकिए। शहर हरा भरा होना चाहिए, बोली कमिश्नर तब। मैडम बजट, कहकर पूछा रजिता। मैं रिलीज करूंगी, पहले काम पूरा कीजिए, कहकर उस जगह के खाली होने के बाद वहाँ पर एक पार्क को बनाना है, बोली कमिश्नर। ठीक है मैडम, आई विल डू इट, कहकर अपने स्टाफ के साथ वहाँ से चला गया। उस एरिया में एक अद्भुत पार्क तैयार हुआ। उस पार्क में रजिता ने स्पेशल अट्रैक्शन के जैसे अपने पसंदीदा फ्लावर हाउस भी तैयार करवाया। वो फ्लावर हाउस बहुत अद्भुत था, देखने में बहुत सुंदर था। वो फूल खुशबू देने के साथ साथ सेहत को भी ठीक करती थी। इससे बहुत से लोग उस फ्लावर हाउस को देखने के लिए बहुत उत्सुकता से आते थे। आए लोगों में से एक आदमी अपने पत्नी से, ये फ्लावर हाउस और ये पार्क बहुत अच्छे हैं। इस फ्लावर हाउस में फूल बहुत अजीब होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी हैं। इसका आनंद लेंगे, कहा एक औरत। पूरा शहर साफ सुथरा हरा भरा है और ये पार्क और इस फ्लावर हाउस की बात ही कुछ और है, बोली। तब से वो फ्लावर हाउस सोशल मीडिया यूट्यूब में बहुत मशहूर हुआ। उस शहर को देखने के लिए आने वाले टूरिस्ट के लिए वो फ्लावर हाउस एक टूरिस्ट प्लेस जैसे बदल गया। रामांतपुर नाम लेते ही सबको फ्लावर हाउस याद आने लगा।